श्रमजीवी पत्रकार संघ वारासियुनी के तत्वाधान में स्थानीय रानी अवंतीबाई स्टेडियम में जिला पत्रकार सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिला पत्रकार सम्मेलन में नगर के जनप्रतिनिधि, विभिन्न शासकीय विभागों के अधिकारी, कर्मचारियों और सामाजिक संगठनों के द्वारा कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया, जिसे खनिज विकास निगम अध्यक्ष और विधायक प्रदीप जायसवाल ने, समाजसेवी गौरा पारधी, समाजसेवी संजय सिंह कछवा, SDM संदीप सिंह, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर रविंद्र ताठौड़, CMO राधेश्याम चौधरी, नगरपालिका इंजीनियर सुमित मोटवानी और तत्कालीन थाना प्रभारी अनुराग प्रकाश को कोरोना काल के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कोरोना सेनानी सम्मान से नवाजा गया। वहीं इस दौरान खिलाड़ियों का भी सम्मान किया गया। सुना है समंदर को बड़ा गुमान आया है, कष्ट उधर ले चल जहां तूफान आया है। साहिल के सुकून से इनकार तो नहीं, लेकिन तूफान से कष्ट निकालने का मजा ही कुछ और है। और हमेशा तूफान से कष्ट निकालने का काम, चाहे वो बालाघाट विधानसभा क्षेत्र हो या बालाघाट जिले का क्षेत्र हो, परम सम्मानित उद्यम हमेशा करते आए हैं। और ये खिलाड़ी है, और खिलाड़ी किसी भी क्षेत्र में रहे, वो अपने तीखे पहने तेज तर्रार कलाबाजियों से, अपने कला कौशल से जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करता कर जोरदार ताली बजा के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बुद्धा भैया का स्वागत करें, सम्मान करें। विशिष्ट अतिथि परम सम्मानी हमारे अग्रज राजेश पाठक जी, जो कि श्रमजी पत्रकार संघ का अभिन्न अंग है। हमारा कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे खेलकूद का हो, समाज सेवा का हो, साहित्यिक हो, सांस्कृतिक गतिविधियां हो, उसमें परम सम्मानी राजेश पाठक जी का भूतपूर्व योगदान रहता है, उनका भी स्वागत करता हूँ। मेरे भाई संजय कछवाहा जी, ये भी हमारे श्रमजीव पत्रकार संघ के अपने सदस्य जैसे हैं, चाहे बारासिंह पत्रकार संघ हो या बालाघाट हो, इनके बगैर हमारे कोई भी काम संपन्न नहीं हो पाते। निर्विघ्न रूप से संपन्न होने के लिए हमें इनका हर संभव मदद मिलता है, सहयोग मिलता है। गुड्डा भैया साथ में बैठे, विक्की पटेल भैया, सोनी जी, बाबू भैया, इधरेश भाई, ओमेंद्र जी, मैं आप सभी का श्रमजीव पत्रकार सम्मेलन में स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। और ये बड़ी अभूतपूर्व पहल है श्रमजीव पत्रकार संघ वारासिंह के अस्पताल भाई, सिकंदर, सुधीर शर्मा जी, जायद भाई, आप लोगों ने कोरोना योद्धाओं का सम्मान करने की चाहत से एक पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बधाई देता हूं। बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार साथी मंचा सिंह बालाघाट से और तमाम जिले भर की तहसीलों से चलकर आए हैं, तहसील अध्यक्ष, पत्रकार साथी, सभी का इस अवसर पर मैं स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से ये परिकल्पना अभूतपूर्व है, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता छोटे भाई विक्की बाबू ने बोला कि अधिकांश कार्यक्रमों का विश्लेषण पत्रकार साथी आके करते हैं, और यहाँ हमको उनके कार्यक्रम का विश्लेषण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यह अपने आप में एक अनूठी बात है। इसके लिए मैं वारासिंह की तहसील इकाई को हृदय से साधुवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। वारासिंह के हमारे जो पत्रकार साथी है, ये सभी पॉजिटिव एक्टिविटी में इनके सुझाव बहुत अच्छे होते हैं। मुझे याद है हम गुड्डा भैया के साथ भोपाल से जस्ट आए थे जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, और 15 मिनट बाद ही जाहिद भाई, अस्पा भाई, सभी लोग, ATM साहब वगैरह, हम लोग ने तुरंत 15 मिनट बाद मीटिंग करके कोरोना रिलीफ फंड का गठन किया था, जिसमें सर्वप्रथम गुड्डा भैया ने लाखों का एक अनुदान दिया था, मेरे द्वारा भी 1 लाख रुपए दिया गया था, और तुरंत ही सबका सहयोग प्राप्त हुआ था। और उसी दिन से सबसे पहले वारासिनी में कोरोना की एक्टिविटीज चालू हो गई थी, तो एक बड़ी अच्छी बात है। वारासिनी वैसे भी पूरे जिले में मुझे लगता है कि पत्रकारों का एक गढ़ है, बहुत ज्यादा एनर्जाइज, बहुत ज्यादा ऊर्जावान पत्रकार है, कई बार ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि कंट्रोल करना पड़ता है, ये भी होता है। लेकिन यदि ये लोग सही में पॉजिटिव वे में जाए, तो मुझे लगता है कि इनसे अच्छा मार्गदर्शक और इनसे अच्छा सुझावकर्ता कोई नहीं है। मैं समझता हूँ कोरोना एक बहुत अच्छा हमारे लिए सबक था, वारासिंह के लिए, पूरे देश के लिए, कि इस संकट के घड़ी में आज भारत जिस तरह से निकला है, मुझे लगता है पूरे विश्व में एक ये अलग उदाहरण है। अमेरिका जिसको हम महाशक्ति मानते थे, उसमें भी अफरा तफरी मच गई, तो इसमें कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया है। कोरोना ने हमको अभी भी ये सिखाया है, अभी कोरोना गया नहीं है, कोरोना से डरना है, लेकिन कोरोना हो गया तो बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि मेरे को भी हो चुका है। ये भी एक समय की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम से
जहां हमने कोरोना की बात की, सभी राजनीतिक गतिविधि की बात की और पत्रकार की क्या स्थिति है आज वर्तमान समय में। अभी हमने नारद जी की पूजा की, नारद जी भी अगर हम पिछले उसमें जाए तो पत्रकार की भूमिका हुआ करती थी और वो बताते थे कि दुनिया में क्या हो रहा था, भगवान शंकर को जाके बताते थे, तो विष्णु जी को बताते थे, जिसके लायक जो काम वो सूचना उनको कान में देते थे, लेकिन बड़ी पॉजिटिव सूचना देते थे ताकि वो सही टाइम पे किसी के साथ अन्याय हो रहा है या पृथ्वी में कहीं अधर्म बढ़ रहा है, ये सारी चीजों को लेकर काम करते थे। तो ये सारा काम नारद जी क्या करते थे। आज हम लोग मजाक में जरूर किसी को भी नारद कह देते हैं, लेकिन काम का वही था, बहुत पॉजिटिव सोच के साथ। आज जैसे जाहिद भाई ने बताया कि आज के समय पत्रकारिता बहुत चुनौतीपूर्ण हो गई है, हर तरह का दबाव, कार्पोरेट का दबाव और कहीं ना कहीं उसमें गिरावट भी आई। तो पत्रकार की गिरावट नहीं आई, गिरावट तो हम देख रहे हैं हर स्तर पर आई है। हम राजनीतिक क्षेत्र में देख रहे हैं कि पहले जिस स्तर की राजनीति हुआ करती थी उस राजनीति में हम अपने आप को संभालना मुश्किल होता है और इतने चुनौतीपूर्ण तरीके से जनता की समस्याओं को हर मंच पर पहुंचा के उनको निदान दिलाना, ये सारी चीजें लोकतंत्र की प्रक्रिया है। वाराणसी से ईएमएस टीवी के लिए अशफाक खान की रिपोर्ट।